हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर कुमार पुनीत गोयल है और हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड करियर्स में आपका स्वागत है। आज है 17 मार्च। 17 मार्च को जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि आपका जून 2019 में एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन आते हैं, उन 50 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के बेस जरूर होते हैं। तो करंट अफेयर्स की आज से ही क्वेश्चंस को लिखना प्रारंभ कर दें। 17 मार्च से लेकर 17 जून तक 3 महीने लगातार मैं आपको वीडियो दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 230 नंबर की क्विज है, पिछली सारी क्विज भी आपको मिल जाएगी। यहां पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 2020 में किस देश में अंडर 17 फीफा कप हो रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो को देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन भेद्यता सूचकांक में किस राज्य के लिए उच्चतम अंक पाया है, उच्चतम इंडेक्स मिला है जलवायु परिवर्तन भेद्यता सूचकांक। ये राज्य है असम। असम में यह सर्वाधिक 0.72 आया है। मिजोरम दूसरे नंबर पे है और सिक्किम सबसे लास्ट नंबर पे आया है। अब असम का नाम आया तो मैं आपको असम के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के प्रेजेंट टाइम के सीएम है श्री सर्बानंदा सोनोवाल, जो बीजेपी पार्टी के हैं, बीजेपी की गवर्नमेंट है असम में। असम के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है जगदीश मुखी। जब भी किसी राज्य का नाम आता है तो आपको ध्यान होगा, मैं हमेशा आपको ये 3 पॉइंट याद दिलाता हूं और मैं हमेशा कहता हूं आपको ये याद हो या ना हो लेकिन मेरे साथ इन्हें रिवाइज जरूर कर लिया करो, क्योंकि 29 स्टेट हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सब की राजधानी, सीएम और गवर्नर आपको मुझबानी याद होने चाहिए क्योंकि कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त होंगे। उज्बेकिस्तान में अगले राजदूत होंगे संतोष झा। संतोष झा को नया राजदूत बनाया गया उज्बेकिस्तान के लिए। अब मैं आपको उज्बेकिस्तान के बारे में बता देता हूं। देखिए, इससे पहले सन 1989 की बात है, सोवियत संघ एक कंबाइंड कंट्री हुआ करता था, उज्बेकिस्तान उसमें से एक बना अलग देश है। टोटल 15 देश अलग हुए थे सोवियत संघ से, जिनमें रशिया भी एक है। रशिया अभी भी सबसे बड़ा कंट्री है पूरे विश्व का। उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे 15 देश अलग हुए थे सोवियत संघ से। ये सोवियत संघ के ही पार्ट रहे हैं। तो उज्बेकिस्तान हमारा पड़ोसी देश भी है। देखिए, भारत, भारत के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद यहां आपको दिख रहा है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता देता हूं। उज्बेकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं शवकत मिर्जियोयेव। कैपिटल है ताशकंद। आपने ताशकंद का नाम काफी पहले भी सुना होगा। ताशकंद समझौता भी काफी मशहूर रहा है। आपको ध्यान होगा लाल बहादुर शास्त्री जी पाकिस्तान के साथ ताशकंद में समझौता करने गए थे और 1966 में वहां उनकी मृत्यु हो गई थी और वो काफी ज्यादा सीक्रेट है, अभी तक पता नहीं लग पाया उनकी मृत्यु क्यों हुई। लाल बहादुर शास्त्री को शांति का दूत भी बोला जाता था और काफी फेमस रहे हैं प्रधानमंत्री के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री। ताशकंद में ही उनकी मृत्यु हुई थी। तो ताशकंद कैपिटल है उज्बेकिस्तान की और उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में स्वच्छ और स्थायी गतिशीलता पहल को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय मिशन का नेतृत्व नीति आयोग के सीईओ करेंगे, इनका नाम आपको बताना है। देश में स्वच्छ स्थायी गतिशीलता के लिए सीईओ जो इसका नेतृत्व करेंगे इस मिशन का, बैटरी भंडारण परिवर्तन गतिशीलता का, वो है अमिताभ कांत। अब नीति आयोग का नाम आता है तो नीति आयोग के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट एनटीए एग्जाम में, तो मैं आपको नीति आयोग के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे देता हूं और इसे जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। कई बार मैं पहले भी बता चुका हूं, नीति आयोग में NITI नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये NITI की फुल फॉर्म है। N से नेशनल, I से इंस्टीट्यूट, T से ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में से कहेंगे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। भारत सरकार द्वारा गठित यह एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया। इसका गठन, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। इससे पहले यह योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और योजना आयोग का मुख्यालय भी नई दिल्ली में ही होता था। सेम जगह पर ही नीति आयोग का मुख्यालय। इसके कार्यपालक जो चेयरपर्सन और अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा
प्रधानमंत्री होते हैं, और प्रेजेंट टाइम में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष और चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, और इसके उपाध्यक्ष है राजीव कुमार, वो एक जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और नीति आयोग के प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं अमिताभ कांत, जिनके बारे में पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। ये पॉइंट नीति आयोग के बारे में बिल्कुल आप याद कर लीजिए, इनमें से कोई भी पॉइंट पूछा जा सकता है पेपर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2020 में अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करेगा? 2020 में अंडर 17 महिलाओं का फुटबॉल विश्व कप भारत में होगा, और यहां पे मैं आपको बता दूं 2017 में पुरुषों का यानी बॉयज का अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप भारत में आयोजित किया जा चुका है, और भारत को यह मेजबानी करने का दूसरा मौका मिला है फीफा की तरफ से। फीफा का नाम आया तो मैं आपको फीफा के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट बता देता हूं। यहां पे एक याद रखने के योग्य बात मैं आपको बता दूं, पिछले साल गूगल पे फीफा वर्ड को सबसे ज्यादा ढूंढा गया था। यदि आपने सुना होगा एक मोटू पतलू कार्टून है, मोटू पतलू वर्ड को गूगल पे टॉप 10 में स्थान मिला था। गूगल में जब सर्च किया गया इस वर्ड को तो मोटू पतलू टॉप 10 में आया और फीफा फर्स्ट पोजिशन पे आया था। फीफा की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ फुटबॉल। इसकी ओरिजिनल फुल फॉर्म ये है जो फ्रेंच लैंग्वेज में है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज्यूरिख में, और इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटिनो, इसके प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के ऑलराउंडर जेपी डुमिनी ने घोषणा की वह इंग्लैंड में आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद वनडे से संन्यास ले लेंगे और दक्षिण अफ्रीका के लिए वो T20 खेलते रहेंगे? ये देश है दक्षिण अफ्रीका। जेपी डुमिनी दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है, वनडे से संन्यास लेने जा रहे हैं। इससे पहले आपको ध्यान होगा मैंने आपको बताया था वेस्ट इंडीज के एक खिलाड़ी भी संन्यास ले लेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप के बाद। अगर आप इनका नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मैं किन की बात कर रहा हूं। वेस्ट इंडीज के महान खिलाड़ी, महान बल्लेबाज जो छक्कों के लिए मशहूर हैं, आईपीएल में भी खेलते हैं, इनका नाम क्या, आईपीएल में भी ये काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो इनका नाम कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख भेजिए। और ये दक्षिण अफ्रीका के जेपी डुमिनी की मैं बात कर रहा था, अब दक्षिण अफ्रीका के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देता हूं। दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का सबसे नीचे वाला कंट्री है। दक्षिण अफ्रीका के प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं साइरिल रैमफोसा। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड पर ये मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे इस बार, यानी 2019 की 26 जनवरी को साइरिल रैमफोसा मुख्य अतिथि थे। और दक्षिण कोरिया की 3 कैपिटल है। आप कहेंगे कि हर देश की एक ही कैपिटल होती है, दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल कैसे? देखिए, दक्षिण अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है प्रिटोरिया, जुडिशियल कैपिटल है ब्लोमफोंटेन, और लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर याद रखिएगा जो मैंने आपको दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल्स के बारे में बताया है। दक्षिण अफ्रीका की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी को ROUVUF तकनीक के लिए सर्वश्रेष्ठ घरेलू जल शोधक पुरस्कार 2018-19 से सम्मानित किया गया? और डेफिनेटली आपको पता होगा इसका एड भी आपने देखा होगा, कैंट आरओ। कैंट आरओ की ब्रांड एम्बेसडर हैं हेमा मालिनी। लाखों दिलों की धड़कन ड्रीम गर्ल के नाम से मशहूर थी धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी, और इस एज में भी हेमा मालिनी कितनी स्मार्ट दिखाई देती है आप देख सकते हैं, और कैंट आरओ की ये ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शी डिवीजन की शुरुआत की है? महिलाओं के लिए शी डिवीजन शुरुआत की है, महिला कर्मी होंगी और महिलाओं को तुरंत सूचना मिलेगी, तुरंत हेल्प की जाएगी। किस लाइफ इंश्योरेंस ने यह शी डिवीजन बनाया? यह है अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने शी डिवीजन की शुरुआत हाल ही में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन परामर्श फर्म मर्सर के वार्षिक क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे 2019 में किस देश की राजधानी को लगातार 10वें वर्ष नंबर 1 स्थान पर रखा गया है? यानी ये देश लिविंग के हिसाब से सबसे बढ़िया है, ये कैपिटल, और ये कैपिटल है वियना ऑस्ट्रिया। पहले नंबर पे वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल रहने के लायक सबसे अच्छी मानी गई है मर्सर फर्म की एक वार्षिक क्वालिटी ऑफ लिविंग सर्वे रिपोर्ट में।
और स्विट्जरलैंड की कैपिटल ज्यूरिख। आपने सुना भी होगा स्विट्जरलैंड को स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग स्विट्जरलैंड में। ये सेकंड पोजीशन पे आया और तीसरे नंबर पर टाई हुआ है। तीन कैपिटल तीन अलग अलग देशों की आई है, कनाडा की वैंकूवर, जर्मनी की म्यूनिख और न्यूजीलैंड की ऑकलैंड। ये तीन कैपिटल तीसरे नंबर पे आई है। तो आपको याद रखना है पहले नंबर पे वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल आई है। लगे हाथ में आपको ऑस्ट्रिया के बारे में भी बता देता हूं। देखिए ऑस्ट्रिया एक यूरोपियन कंट्री है, ये आपको जर्मनी के पास ऑस्ट्रिया दिख रहा है। ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रेलिया नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा, ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है सेबेस्टियन कुर्ज। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। आपने सुना भी होगा वियना समझौता। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है यूरो। यूरोपियन कंट्री के 12 देश यूरो करेंसी को अपनी करेंसी मानते हैं और ऑस्ट्रिया भी उनमें से एक देश है जो यूरो को अपनी करेंसी की मान्यता देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2019 के बाद देना बैंक और विजया बैंक किस बैंक में विलय हो जाएंगे। इस विलय के बाद टोटल बैंक भारत में 18 सरकारी बैंक हो जाएंगे। देना बैंक, विजय बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो जाएंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के साइन में आपको तीन का अंक दिखता है तो आप इसी से याद रख सकते हैं, तीसरे नंबर का बैंक हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने जैसे मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर की सारी संपत्ति, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन पर बैन लगा दिया अपने देश में। यह है फ्रांस। फ्रांस ने पूरी तरह से बैन लगा दिया। आपको ध्यान होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था सिक्योरिटी सीट के लिए, परमानेंट सीट के लिए भारत का समर्थन फ्रांस ने ही किया है। और फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है। देखिए ब्रिटेन के पास, जर्मनी के पास, ये आपको ग्रीन कलर में मैप में फ्रांस दिखाई दे रहा है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है, जहां पे मशहूर देखने के लिए जाते हैं लोग, वो है एफिल टावर। फ्रांस की करेंसी यूरो है, ये भी यूरोपियन कंट्री का एक पार्ट है और ये 15 देशों में एक देश है जो यूरो करेंसी को अपनी करेंसी मानता है और इसके यहां करेंसी सीएफपी फ्रैंक भी चलती है। फ्रांस के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी ने अपना नया अध्यक्ष किसे चुना है। विपिन आनंद को एलआईसी ने अपना अध्यक्ष चुना है और टीसी सुशील कुमार को नया एमडी चुना है। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं, लेकिन आपका यहां मैंने अध्यक्ष पूछा था तो एलआईसी के अध्यक्ष विपिन आनंद है और टीसी सुशील कुमार एलआईसी के नए एमडी बनाए गए। ये प्रश्न आप याद रखिएगा, विपिन आनंद आपको ये फोटो में दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय में एक समारोह में 3,000 पाउंड मूल्य के एशियाई क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल युवा पुरस्कार का विशेष विजेता चुना गया। यह तमिलनाडु के एक सामाजिक उद्यमी नो फूड वेस्ट के संस्थापक पद्मनाभन गोपालन। इनके काउंटर हैं 40 राज्य 40 सिटीज में और नो फूड वेस्ट का मतलब होता है आपको ये पिकअप पॉइंट देंगे, वहां पे आपके पास अगर एक्स्ट्रा फूड है, बना बनाया फूड है तो आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। अब तक ये 6.5 लाख जगहों से फूड उठा के उसकी जरूरत जिनको होती है उनको दे चुके हैं। जैसे शादी ब्याह में हम खाना छोड़ देते हैं तो नो फूड वेस्ट एक संस्था है जिसके सामाजिक उद्यमी है पद्मनाभन गोपाल और ये उस फूड को भूखों तक पहुंचाते हैं। इनको सलाम है हमारा भी और ये हमारा चैनल NTA UGC NET की तैयारी के लिए A to Z करियर्स। प्लेलिस्ट में जाके आप अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। आपके पास 3 महीने हैं और 90 दिन में मैं आपको कम से कम 90 तो करंट अफेयर्स की वीडियो दूंगा और 90 ही अन्य वीडियो भी मिलेंगी जिसमें मैं आपको पिछले सालों के पेपर के सॉल्यूशंस बताऊंगा, रीजनिंग DI के कैसे क्वेश्चन आते हैं, हायर एजुकेशन कंप्यूटर एजुकेशन के कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो नेट की प्रिपरेशन आपकी घर बैठे हो जाएगी पेपर फर्स्ट की अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तुरंत इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल वाला आइकन भी दबा दें। मैं अनअकैडमी पे भी प्लस एजुकेटर हूं। अनअकैडमी ऐप को आप डाउनलोड करके वहां से मेरा कोर्स ले सकते हैं जो कि 1800 रुपए का है और उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कोड डालते हैं। आप वहां पे एक A to Z करियर्स डालिए, जब भी आपको अनअकैडमी ऐप लेना हो, अनअकैडमी की क्लास आपको करनी हो तो जब भी आप कोई पेमेंट करें अनअकैडमी पे तो A to Z करियर सब्सक्रिप्शन में ऑफर में जरूर डालें, आपको सीधे सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस बात को याद रखिएगा और यूट्यूब पे मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए
और अगर आपको लगता है ये वीडियो अच्छी है, किसी के काम आ सकती है, तो लाइक का बटन दबाने के बाद इस वीडियो को जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, दोस्त हैं, यार हैं जो NTA UGC NET की तैयारी करें, उन्हें जरूर शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द सक्सेस इन योर लाइफ। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।